जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप को पहले सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सरकार को ये बात बोलना चाहिए, बोलो भाई। अगर आपको रिकॉर्डमेंट नहीं कर सकते तो मत कीजिए। आप लोग पहले बोलो, ऑफलाइन लीजिएगा। सारे स्टूडेंट यहाँ पे यूपी से बिहार से ले रहे हैं, आप लोग बिहार से ले रहे, बंगाल से ले रहे। सही बात बोले, आएंगे वो लोग सब कुछ करके लेके आ रहे हैं, उधार लेके आ रहा है, इतना मेहनत आएंगे वो लोग। आप लोग पहले नोटिस जान लेते हैं कितने स्टूडेंट को लेंगे। 2003 इतना नहीं पहुँचे, ज्यादा नहीं लेंगे, इतना मेहनत हो गया है। हम लोग यहाँ पे बारिश में भिंडी के बारिश में हम लोग क्या मजाक करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? नहीं कर सकते, छोड़ दो। 1000-2000 दे के हम लोग यहाँ पे आते हैं। 100-200-300 आप लोग दे सकते हैं, नहीं करना, छोड़ दो। आप लोग बेईमान हो। आप किधर से आए भैया? से आया है, कहाँ से? अलीपुर द्वार से हम आया। तो सुन ली आप लोगों ने वीडियो क्लिप। देखो दोस्तों, एक भर्ती निकलता है, ये लगभग हर साल ही निकलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 6 महीने के लिए रखा जाएगा। 6 महीने के बाद कोई भरोसा नहीं है, आपको वापस घर भेज दिया भी जाएगा। आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, कोई अफील भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर भी जो युवा जो है, जो हम युवा जो है, हम पागल हैं। चाहे 1 महीना हो या 6 महीना हो या फिर पूरी जिंदगी भर हो, हम फौज में जाना चाहते हैं। हमारे अंदर में जुनून है, जोश है, हम फौज की वर्दी को पहनना चाहते हैं, जिस्म में लगाना चाहते हैं। हम वो नहीं सोचते कि 6 महीने के लिए लिया जा रहा है या 6 साल के लिया जा रहा है या पूरी जिंदगी भर के लिए लिया जा रहा है। हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस फौज में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात यही, ये बंदा गया था सिलीगुड़ी से भर्ती देखने के लिए गया था। आर्मी पोर्टर का भर्ती था, वहाँ पे देखने के वो भर्ती देखने के लिए गया था, लेकिन इस भाई को एंट्री नहीं मिला है गेट में। अब किस वजह से नहीं मिला है वो मेरे को अभी तक कुछ कन्फर्म खबर नहीं मिला है। मैं उस भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला था। इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आया था कि भाई उस भर्ती में मैं भी शामिल था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। ये वीडियो देखने पर काफ़ी दुख लगा है, इतना दूर से गया है। जब कोई बंदा भर्ती देखने के लिए जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो काफ़ी तकलीफ होता है मेरे भाई। एक तो पैसा का दिक्कत होता है, दूसरी बात रहना खाने का भी दिक्कत होता है, फिर अपना सामान चोरी होगा जो हो जाएगा नहीं हो जाएगा सामान का भी दिक्कत रहता है। ऐसा काफ़ी सारे लोग ऐसा है कि जब भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो अपना मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, तो ऐसा काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहता है जब कोई भर्ती देखने के लिए जाता है। जो लोग भर्ती देखने के लिए जाते हैं उनको पता लगेगा ये बात, ठीक है ना। तो भाई इनके साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने भर्ती को ओपन किया है कि भर्ती लेना चाहते हो, चाहे आपका वैकेंसी एक ही वैकेंसी हो, अब ये सारे चीज़ों को पता है, अगर एक वैकेंसी निकलता है तो उसके लिए लाखों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक वैकेंसी के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट देगा इसके लिए भर्ती, ऐसा नहीं होता है। तो ये भाई के साथ काफ़ी गलत हुआ है। और दूसरी बात, इस वीडियो में कमेंट काफ़ी ज़्यादा आया है इंस्टाग्राम में। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई इस भर्ती में मैं भी शामिल था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कुछ बंदे बोल रहे हैं भाई इस भर्ती में मैं भी था, लेकिन वहाँ पर 2 बंदे का मौत भी हो गया इस भर्ती के कारण। अब मौत किस कारण के हुआ है वो मुझे नहीं पता है, मैं उस भाई से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं मैं सुनूंगा, क्या कहना चाहता है, किस वजह से हुआ है, मैं सारे चीज़ उसके साथ बातचीत करूंगा, वो मेरे को शेयर करेगा। जैसे शेयर करेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए वो बंदा ने कमेंट किया है मुझे, हो सके तो आप लोग भी जरूर उसके साथ बात करिए इंस्टाग्राम में जाके कि किस वजह से हुआ है। अब मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी हम युवा भर्ती देखने के लिए जाते हैं ना, हमें काफ़ी तकलीफ होता है मेरे भाई। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो हम जाते हैं तो हमें रहना खाने का काफ़ी दिक्कत होता है। हम रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, हम 4-5 लोग अगर होते हैं तो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं। अगर एक ही बंदा रहता है तो फिर भी रेलवे स्टेशन पे रहते हैं। मैंने काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हम 4-5 लोग अगर भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ दिक्कत हो रहता है मेरा, तो क्या करते हैं हम रात को गुजरा स्टेशन पे करते हैं। और स्टेशन पे मतलब ऐसा करते हैं कि ये भी डर रहता है कि कोई हमारा सामान चोरी ना कर ले, कोई हमारा फ़ोन चोरी ना कर ले। तो हम क्या करते हैं, अगर 4 बंदे होते तो 3 बंदे सो जाते हैं, 1 बंदा ड्यूटी करता है। मैंने खुद वीडियो भी बनाया था, मैंने खुद अपने दोस्तों को मैंने ऐसा ड्यूटी किया, जो लोग भर्ती देखने के लिए गए थे 3 बंदे सो रहे थे, मैं खुद अकेला ड्यूटी किया था। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। तो इस तरह से दिक्कत का सामना करते हुए हम लोग भर्ती देखने के लिए जाते हैं। जब भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये भाई काफ़ी दुख होता है, ना इंसाफी जब होता है। देखो हम भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं, अगर हम भर्ती देने के बाद अगर हम रनिंग में फेल हो जाए, मेडिकल में फेल हो जाए, डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन हम जिस भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं, अगर उस भर्ती में अगर हमको एंट्री भी ना मिले तो भाई ये तो काफ़ी दुख की बात है। देखो पैसा खर्चा तो ये अलग बात है, पैसा तो खर्चा होता रहता है,
लेकिन जो उम्मीद जो है, जो सपना जो है, अगर वो टूट जाए ना तो पैसा से कुछ नहीं होता है। आप सब लोग बोलेंगे ये 6 मंथ का भर्ती है, इसके लिए क्या करना है। भाई आपके लिए हो सकता है 6 मंथ के लिए, लेकिन ऐसा काफी सारे भाई लोग होंगे 6 मंथ के लिए वो सोचता है कि मेरा जिंदगी बदल जाएगा, ऐसा सोचता है, ऐसा उम्मीद लेकर बैठते हैं। और इतना देश में इतना बेरोजगारी है भाई, अगर 1 मंथ के लिए मौका मिलेगा फिर भी जाएंगे लोग। और कुछ लोग तो इतना जुनून है कि वो नहीं सोचता कि 6 मंथ के लिए है या 6 साल के लिए है। तो भाई वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है अपने अंदर के जुनून को, जोश को। और इसके बाद बेरोजगारी इतना है देश के अंदर, वो मैटर करता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके तो उस भाई के साथ जाके आप लोग जरूर बात करना। आईडी वहां पर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, आप लोग जाके उस भाई से भी बात करें किस वजह से उस 2 बंदे का मौत हुआ है, वो भी हमें पता लगना चाहिए। मेरे भाई हम युवा के साथ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ना हम पहले बैठे थे और ना आज बैठेंगे। ये चैनल हमने क्रिएट भी किया है, आप लोग 1 साल 2 साल पुराना वाला वीडियो देख लेना। जब भी किसी के साथ गलत होता है हम सबसे पहले आवाज उठाते हैं, और इसी की वजह से चैनल बना है और बहुत आगे भी गया ये चैनल, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। हम युवा के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। चलता था अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।